कुवैत में आते हैं, हमारा गम का मेडिकल होता है, फिर हमें टेंशन होता है कि हमारा मेडिकल फिट है या अनफिट है। कुवैत में करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, मेडिकल हमारा हो गया है, फिट है या अनफिट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं कि हाँ कुवैत में गम का मेडिकल मेरा फिट है या अनफिट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे, कुवैत में हम आ जाते हैं, अगर हमें मेडिकल चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। से इंडिया में हम मेडिकल कराए, गम का मेडिकल इंडिया में कराते हैं, हम चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम इंडिया से कुवैत आते हैं 5 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन के बाद हमारा गम का मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद दोस्तों हमारा 15 से 20 दिन लग जाता है रिपोर्ट आने में, वो रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है, वो रिपोर्ट जो है कुवैत के मोबाइल में मैसेज आएगा, जो यहाँ गम का मेडिकल होता है उसमें जो टेलीफोन नंबर लगा होता है उस पर एक मैसेज आता है, वो नंबर आपका कपिल का होगा, जो कपिल आपका है उसका नंबर रहेगा उसमें, उसके पास मैसेज आएगा, उसके बाद में जो है वो एक अमल लगवा देगा आपका। अगर आप चाहते हैं मैं खुद से चेक कर लूँ, एक टेंशन सा होता है हमारा रिपोर्ट फिट है या अनफिट है, क्या आया क्या नहीं, तो सभी के मन में डाउट रहता है। तो अगर हमें मेडिकल चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। से इंडिया में हम मेडिकल कराए, गम का मेडिकल इंडिया में कराते हैं, हम चेक कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन कुवैत में आते हैं, हमारा गम का मेडिकल होता है, फिर हमें टेंशन होता है कि हमारा मेडिकल फिट है या अनफिट है। इंडिया में तो एक दिन में रिपोर्ट मिल जाता है, सुबह हम जल्दी मेडिकल करा लेते हैं तो हमें शाम को रिपोर्ट मिल जाती है, देर में कराते हैं मेडिकल लेट हो जाता है तो दूसरे दिन रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन कुवैत में दोस्तों ऐसा नहीं है, कुवैत में करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, तो हमें डाउट रहता है कि मेडिकल हमारा हो गया है, फिट है या अनफिट है, एक टेंशन सा रहता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं कि हाँ कुवैत में गम का मेडिकल मेरा फिट है या अनफिट है। चलता हूँ दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग मोबाइल से ही चेक करना है। तो मोबाइल में दोस्तों अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, कोई यहाँ पर एप्स नहीं है कि एप्स लोड करना पड़ेगा, और ना ही आपको मेडिकल की स्लिप चाहिए। तो यहाँ पे आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर, और उस पर आपको सर्च करना है MOI कुवैत, इतना आप यहाँ पे टैप करके और सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टैप कर लिया है, अब यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे, इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है होम पेज मिनिस्ट्री ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ऊंचे 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो गया, इस पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है ई सर्विस, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको चौथे नंबर पे आना है, इस पर जाना है जेंडर ऑफ रिक्वायरमेंसी पे क्लिक करना है आपको चौथे नंबर पे, तो एक नया पेज ओपन होगा, इस पर आपको जाना है इंक्वायरी में, छठे नंबर पे इंक्वायरी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में 3 ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको तीसरे पे जाना है हेल्थ चेक स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है तीसरे नंबर पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे है इंटर रेफरेंस नंबर, ये नंबर दोस्तों आपको जब आप मेडिकल कराने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे आपको 10 KD देना होता है, मशीन से निकाल के एक पर्ची पासपोर्ट के ऊपर चिपकाएंगे तो पासपोर्ट के अंदर, इस तरह का होता है। तो ये नंबर है दोस्तों 297 9 अंक का नंबर है, यही नंबर वहाँ डालना होता है, यहाँ पे वो नंबर डालना है 2974, तो यहाँ पे वो 9 अंक का नंबर डाल देना है आपको। नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंक्वायरीज पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आप लिख के आ जाएगा। इंडिया के जैसे दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट नहीं दिखाएगा कि आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर डाल के क्लिक करना है, तो इस तरह से दोस्तों लिख के आ जाएगा स्टेटस हेल्थ चेक फास्ट, जिसका मेडिकल पास हो जाता है, फिट हो जाता है, रिपोर्ट आ जाता है दोस्तों, तो इस तरह का दिखाएगा। जिसका मेडिकल का रिपोर्ट नहीं आया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो ये मेडिकल रिपोर्ट दोस्तों फिट है। इस तरह से आप भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं